स्वागत है आप सभी को मेरा यानी कि राजेश चौधरी का नया YouTube चैनल पर। तो गाइस आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक है। एक्चुअली गाइस मैं दीपावली में ही एक वीडियो शुरू करूँगा सोच रहा था, तो दीपावली में मतलब कुछ टाइम ऐसा नहीं मिला तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं भी एक मतलब YouTube चैनल खोलूं और मेरा भी जैसे कि यूट्यूबर के मतलब और यूट्यूबर के जैसे मेरा भी बहुत सारा सब्सक्राइबर हो, बहुत सारा व्यूअर्स आए। तो ये बहुत दिनों से मेरा भी एक मतलब सपना था, तो सोचा कि अभी शुरुआत कर ही लूँ। मतलब मेरा एक दोस्त आया है तो वो भी बाहर में ही रहते हैं, तो मतलब उनके साथ थोड़ा घूमने के लिए आ गया इधर, तो सोचा कि बना ही लेता हूँ आज मौका मिलते ही। तो ऐसे ही शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में आया था। तो पहला मैं वीडियो शुरू करने से पहले मेरा जो इंट्रोडक्शन है वो आपको आप लोगों को दे देता हूँ, ताकि आप लोगों को भी मतलब पता चले कि मैं कौन हूँ, कहाँ से बोल रहा हूँ। तो गाइस मेरा नाम राजेश चौधरी है, जो कि यूट्यूब का जो लोगो है वो देख के आपको पता चल ही गया होगा। और मैं आसाम से हूँ, गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट से। तो अभी आया हूँ शिवसागर डिस्ट्रिक्ट, तो थोड़ा घूमा, कल ही आया था। तो आज ये जो देख रहे हैं आप रंगघर, ये एक हिस्टोरिकल ये है, मान लीजिए ये आसाम का जो किंगडम था आहोम किंगडम, तो उनका ही बनाया हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हैं, आप लोग भी आइएगा, कभी नहीं आए हैं तो आसाम का जो लोग हैं तो आए हैं, वो सब तो देख चुके हैं। तो आप यदि कोई बाहर से देख रहे हैं आसाम का बाहर से, तो आइए, अच्छा जगह है रंगघर। और आप लोग यदि आएंगे तो जो बैसाख मंथ होता है, तो अप्रैल में आता है वो, तो वो मतलब उस मंथ पे आइएगा। तो उस मंथ पे क्या होता है, यहाँ पे मतलब थोड़ा भीड़ भाड़ होता है, बहुत सारा लोग होता है, और यहाँ पे जो बाफेलो फाइट होता है ना, बाफेलो को फाइट किया जाता है। और असम का जो बिहू डांस वगैरह भी होता है यहाँ पे, ये देख रहे हैं बाफेलो, आपको पास से दिखा दे रहा हूँ कैसे क्या होता है यहाँ पे। बाफेलो फाइट होता है एक्चुअली, ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है देखने के लिए। तो आशा करता हूँ आप लोग आइए, देखिए, एक अच्छा जगह है, अच्छा प्लेस है। ये देखिए इस तरह से होता है, यदि आप नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, ये है। जब आप मतलब सामने देखेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो देखिए मैं थोड़ा आपको मतलब जो पूरा व्यू है वो आपको दिखा दे रहा हूँ, पूरा राउंड एक बार दिखा दे रहा हूँ। और सोच रहे हैं और भी यहाँ पे, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट ही हिस्टोरिकल है, तो मैं कोशिश करूँगा आज आपको दो चार जगह ऐसा दिखाने के लिए। तो चलिए पहले ये जो रंगघर है वो देख लीजिए आप, कि इस तरह से फाइट होता है यहाँ पे। यहाँ पे तो ये स्टैचू बना हुआ है मूर्ति, लेकिन आप यदि रियल में देखते हैं तो बहुत सारा बाफेलो वगैरह होगा। इसको असमिस में मोह कहते हैं, मोह, और हिंदी में तो भैंस कहते हैं, आप लोग तो जानते ही हैं। और ये जो रंगघर है देख लीजिएगा, मैं भीतर जाके एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मेरा फ्रेंड है, इसके साथ आया हूँ एक्चुअली, ये पवन चौधरी है। तो देखिए मैं ये भीतर आ गया हूँ रंगघर का, भीतर में ऐसा है कुछ, देख लीजिएगा आप लोग, यही है भीतर। और ऊपर भी जाने का रास्ता है, लेकिन ऊपर अभी बंद किया हुआ है, तो ऊपर नहीं जा सकते हम। तो आप लोग को जो ग्राउंड फ्लोर है मतलब नीचे का जो हिस्सा वही दिखा रहा हूँ। ये तो ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन ऊपर अभी बंद किया हुआ है, तो ऊपर हम नहीं जा सकते। फिर भी एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को ऊपर का जो है व्यू, तो इस तरह से है। ऊपर ले जुआ निखेद, यानी कि ऊपर जाने के लिए मना है, तो ऊपर हम नहीं जाएंगे। यही है पूरा जो आप लोगों को दिखा ही चुका हूँ। और यहाँ पे कुश्ती भी होता है, जो कि हम आपको कुश्ती दिखा देते हैं, कुश्ती का जो मतलब स्टैचू है,
कुश्ती तो आप लोग डायरेक्टली नहीं देख पाएंगे अभी, और मैं दिखा भी नहीं सकता। मैं और मेरा दोस्त यदि कुश्ती कर लेंगे तो आपको दिखा सकते हैं। तो वो छोड़िए, आपको यहाँ पे जो स्टैचू है वही दिखा देता हूँ। ये रहा कुश्ती। कुश्ती तो आप लोग देखते ही हैं, और जब मतलब छोटा छोटा जब होता हूँ सब कोई कुश्ती करता है इस तरह से, देखिए। और ये रहा पूरा राउंड, में आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ इस तरह से है। यहाँ से अभी निकलेंगे, यहाँ से निकल के हम शायद और भी ऐसा एक दो जगह है जो कि आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। तो देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए एंड तक, जितना हो सके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और हो सके इस वीडियो में इतना ज़्यादा एंटरटेनमेंट आपको नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरा ये फर्स्ट वीडियो है। बहुत दिनों से सोच रहा था तो आज स्टार्ट कर लिया, और मेरा वीडियो बनाने का मतलब ऐसा तो एक्सपीरियंस है नहीं, तो फिर भी ट्राई कर रहा हूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा, देखिएगा कुछ यदि वीडियो में गलत हो रहा है या तो फिर मैं वीडियो में कुछ नहीं दिखा पा रहा हूँ, कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा किस तरह से करने से अच्छा होगा। यही लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। देखते रहिए वीडियो। आगे हैं अभी तलातल घर, तो तलातल घर आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा जगह है। तो यहाँ पे ऐसे ही मतलब सुनने को मिलता है कि ऐसा एक सुरंग है जो कि आप अंदर जाने से और कभी भी बाहर नहीं आ सकते। तो वहाँ पे तो हम जाएंगे नहीं क्योंकि हमें देखना है और बहुत सारा चीज़। तो ये रहा तलातल घर, तो आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा। ये तलातल घर इसको कहते हैं। ये भी रंगघर से 1.5 किलोमीटर के आसपास है। तो आइए देखते जाइए, आशा करता हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। भीतर में है क्या है, क्या है भीतर में? कुछ भी नहीं है। हाँ, हिंदी असामीज दोनों मिक्स होना चाहिए। वाओ, क्या है इधर? भूत उठा लो, उठा लो, लो लो। ये है अंदर का नजारा, अंधकार ही अंधकार। अरे आगे भी जो मतलब जो किंगडम लोग था ऐसे ही था क्या अंधकार में? क्या क्या है भाई, क्या क्या बनाता था आगे? इधर से चलते हैं। ये अंदर जाने का रास्ता नहीं जाएंगे, डर लग रहा है भीतर क्या होगा पता नहीं। नहीं जाएंगे हम लोग, तू तु, 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 तुझको जाना है तो जा, एक बार घूम के आ अंदर से, तू वहाँ से घूम के आ जा। आना लेकिन लौट के, ठीक है? जाओ, नहीं जाना है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यही है देखने के लिए। फिर भी अच्छा है जो भी है। हम लोग इधर से गए थे ना, भूल भुलैया। नहीं जाएंगे इधर, डर लग रहा है, कुछ चिल्ला रहा है इधर।
लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अभी कहाँ जाएंगे? कारंगघर। कारंगघर तो आप लोगों को अभी फिर से दिखाते हैं कारंगघर, वो भी देखने के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कारंगघर। और ये रहा तोरातुलवर, आप लोगों को तो ही दिखा ही चुका हूँ। पहुँच गए हैं कारंगघर। कारंगघर ना, हाँ ये रहा कारंगघर, पहुँच गए हैं हम लोग, देख लीजिएगा। तो ये भी बहुत ही सुंदर है। आप लोग यदि आते हैं कभी भी, मान लीजिए कि रंगघर देखे, उसके बाद तलातल घर देखे, ये भी देख के जाइएगा, क्योंकि ये भी ज़्यादा दूर पर नहीं है। फिर भी तलातल घर से 17 किलोमीटर है यहाँ तक, और रंगघर से यही 15.5 जैसा होगा। और चीज़, और एक मुझे जैसे कि प्रॉब्लम लगा यहाँ पे एंट्री के लिए, तो यहाँ पे एंट्री में एक्चुअली आगे आप मैनुअल आके मतलब कैश पैसा दे के आप क्या करते हैं, टिकट लेना पड़ता है, लेकिन अभी कैश नहीं होता है, यहाँ पे स्कैन करना पड़ता है। जैसे कि आपको स्कैनर लगेगा, यानी कि आपको एक एंड्रॉयड मोबाइल लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ऑनलाइन है, ऑनलाइन से ही टिकट आपको लेना पड़ेगा। यदि आप सोचते हैं पॉकेट में पैसा है तो काम चल जाएगा, तो अभी पॉकेट में पैसा होने से भी नहीं होगा, आपको एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन लगेगा, आप स्कैन कीजिए, पे कीजिए, उसके बाद ही एंट्री। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम जैसा है, क्योंकि हर एक के पास तो ये सुविधा है नहीं। तो यदि आप लोग नहीं आए हैं अभी फ़िलहाल, तो एक एंड्रॉयड मोबाइल लेके आइएगा। एक्चुअली ये है स्कैन करने का जगह, यहाँ पे आपको स्कैन करना पड़ेगा, वेबसाइट भी है, और बाहर बहुत सारा लोग भी खड़ा था जो कि स्कैन करके पे नहीं कर पा रहा था, शायद ऐसा सुविधा नहीं है उन लोगों के पास। हम लोग मतलब भीतर गए, पूरा देख कर बाहर आया, तभी भी ये लोग रुका हुआ था, स्कैन नहीं कर पा रहे थे। तो बाद में जाके मेरा जो दोस्त थे वो सबको स्कैन करके दिया, स्कैन करके टिकट बना के दिया, उसके बाद ये लोग भीतर गया। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जिनके पास स्कैन करने का कोई सुविधा होगा नहीं, तो वो तो पे करके अंदर जा नहीं पाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए ये सुविधा है या फिर क्या है। कैसा लग रहा है भाई, बोलो। सुपर सुपर, घूम के अच्छा लगा। और कुछ बोलो, बस लाइक करो वीडियो को और सब्सक्राइब। गुड। तो गाइस, वीडियो को हम ख़त्म करेंगे एक बार, मतलब ये जो कारंगघर है हम दिखाएंगे आप लोगों को, दिखा के वीडियो को यहीं से क्लोज करेंगे। तो हम जैसे कि आपको दिखाए रंगघर, कारंगघर, तलातल घर, और भी दो चार ऐसे प्लेस है जो कि हम आपको दिखा नहीं सके, क्योंकि टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, हमें भी घर पहुंचना है, शिक्षागर, उसके बाद जोरहाट, उसके बाद गोलाघाट। तो आइएगा आप लोग भी, घूमिए, अच्छा लगेगा। तो
वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गाइस आशा करता हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। और यदि वीडियो में कुछ गलत हुआ हो, जैसे कि वीडियो का मतलब कुछ भी ख़राब है, मैं कुछ भूल गया हूँ, कुछ गलत हुआ है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि आगे जो भी वीडियो मैं लाऊँगा आप लोगों के लिए तो उसमें मैं वो सारा कुछ सुधार कर सकूँ। तो गाइस लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।